हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे एंड सुबह के सेशन को देखने के लिए रेडी होंगे, बिल्कुल परफेक्ट। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी। लास्ट क्लास में मैंने एक चीज़ शायद आपको उल्टी बोली थी, सॉरी फॉर डैट। वो कई बार हो जाता है, मैं भी इंसान हूँ, उससे भी गलतियाँ होती हैं। वो वर्ड मैंने आपको अपोजिट बता दिए थे, तो वो चीज़ मैं क्लियर करूँगी कि देखिए, जो एपिडेमिक होता है एंड दूसरा वर्ड था पेंडेमिक, ठीक है ना। तो जो एपिडेमिक है, कोई भी वायरस या कोई भी डिसीज जो सिर्फ एक एरिया में हो, एक कॉन्टिनेंट में हो, दैट इज एपिडेमिक। और जो वर्ल्ड वाइड, मतलब कि जो एक से ज़्यादा जगह पे फैले, उसको हम क्या बोलते हैं? पेंडेमिक बोलते हैं। आई होप अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। मैंने एक्सप्लेन करते समय आपको वर्ड्स एक्सप्लेन किया था, पर वर्ड्स उल्टे बोल दिए थे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूँ पूरे दिन का यूट्यूब का शेड्यूल, जो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो जो हम यूट्यूब में करते हैं, नहीं यार क्या हो रहा है ये, ठीक है, जो हमारे यूट्यूब का शेड्यूल है, सुबह 7 बजे क्लास होती है आप लोगों की साइंस वन लाइनर की, ठीक है। दूसरी आपकी 9 बजे होती है, जो सर लेते हैं आपके लिए जीके एक्सप्रेस, ठीक है। उसके बाद 12 बजे आपकी क्लास होती है साइंस एक्सप्रेस के नाम से, एंड देन उसके बाद आपकी एक रात में 11 बजे क्लास होती है जीके वन लाइनर्स, ठीक है। मैं फटाफट बता देती हूँ, जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे या जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं, कि जो 7 बजे क्लास होती है, ये वन लाइनर की क्लास रहती है। इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं और उनके आंसर्स होते हैं, ठीक है। मतलब वन लाइनर्स उसका आंसर होगा, ठीक है, कोई ऑप्शंस नहीं होते, सिर्फ हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करते हैं। मतलब हड्डियाँ कितनी होती हैं ह्यूमन शरीर में, 206, तो हम वो 206 याद कर लेंगे। हम उसको ना एक क्विक रिवीजन टाइप से हमें वन लाइनर्स चला रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको 10,000+ वन लाइनर्स कराने वाली हूँ, आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, यहाँ पे भी साइंस पूछा जाता है। उसके बाद सर लेते हैं आपके जीके एक्सप्रेस, एक्सप्रेस क्लास में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन हम कवर करते हैं, 20 से 25 मिनट का सेशन होता है ये भी हमारा, क्योंकि हम लोग सेशंस बहुत शॉर्ट ड्यूरेशंस के इसलिए रखते हैं कि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है, और बोर भी ना हो आप लोग देखने में। ये लंबे सेशंस देखना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारी 12 बजे साइंस एक्सप्रेस होती है, जो अगेन मैं लेती हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, साइंस के अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करते हैं। रैपिड फायर राउंड होता है, क्वेश्चन एंड आंसर्स ऐसे करते हैं। फिर उसके बाद सर आपकी 11 AM मतलब रात के 11 बजे जीके वन लाइनर्स लेते हैं, क्लियर है। ये पूरा हमारा यूट्यूब का शेड्यूल है, आप प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, तो हम आपके लिए और क्लासेस भी फिर यूट्यूब में लेके आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एट व्हाट टेम्परेचर इज द ब्लड इन द ब्लड बैंक प्रिजर्व। ब्लड बैंक में रक्त को किस तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है? इसको रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखा जाता है। ब्लड बैंक्स क्या होते हैं? ब्लड बैंक जहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्लड को स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे अगर किसी भी पेशेंट को ज़रूरत है ब्लड की, तो हम ब्लड बैंक से लेके उसको क्या कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट, वॉट आर ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स क्या, कौन कौन से हैं, ये कौन से होते हैं? तो जो हमारे पास ब्लड ग्रुप है वो कितने टाइप के होते हैं, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है, ठीक है। इट्स नॉट जीरो, इट्स ओ, ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप होता है। अब आप इसमें ये मत बोलिए कि मैम ने बताया नहीं कि पॉजिटिव नेगेटिव जो रहते हैं ना, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, वो किसके कारण होते हैं? हमारे आरएच फैक्टर के कारण होते हैं। आरएच फैक्टर मतलब आरएच जिसमें भी प्रेजेंट होता है तो वो पॉजिटिव होते हैं, जिनमें प्रेजेंट नहीं होता उन ब्लड ग्रुप में तो वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप।
ब्लड ग्रुप के रक्त समूहों की खोज किसने की थी? तो कौन से साइंटिस्ट ने की थी? लेंस टिनर ने क्या किया था, जो हमारे रक्त समूह है उनकी खोज की थी। रक्त समूह कौन से होते हैं? AB एंड O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? हु इज यूनिवर्सल डोनर ऑफ ब्लड ग्रुप। तो कौन सा ब्लड है जो सबको क्या कर सकता है, खून दे सकता है, अपना रक्त दे सकता है? तो जो ओ है वो क्या कर सकता है, सबको अपना ब्लड दे सकता है। कोई भी ब्लड ग्रुप का इंसान है, अगर हमको उसकी मैचिंग का ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ओ भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? हु इज द यूनिवर्सल रिसिपिएंट ऑफ ब्लड ग्रुप। तो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ले सकता है, AB इज द राइट आंसर। AB क्या कर सकता है, सबसे सारे ब्लड ग्रुप से वो ब्लड क्या कर सकता है, ले सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। RH फैक्टर किससे संबंधित है, विथ हुम इज द RH फैक्टर रिलेटेड। तो जो RH फैक्टर है वो हमारे ब्लड से रिलेटेड है, मैंने अभी बताया आपको। RH फैक्टर क्या होता है, हमें ब्लड में प्रेजेंट होता है तो वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो जाता है, और नहीं होता है तो नेगेटिव होता है। ठीक है, हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ द RH फैक्टर। RH फैक्टर का खोजकर्ता कौन था, तो जो किनने खोजा था RH फैक्टर, लेंडस्टीनर एंड वीनर। देखो, लेंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप मतलब रक्त समूह की भी खोज की थी, उसी ने RH फैक्टर भी खोजा था, पर साथ में कौन थे उनके साथ में, वीनर साइंटिस्ट भी थी। ठीक है, नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय, रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? तो जो ब्लड प्रेशर है हमारी बॉडी का वो किससे होता है, एड्रिनल ग्लैंड से होता है, एड्रिनल ग्रंथि से होता है। जो एड्रिनल ग्रंथि होती है वो कैसी होती है, इनको हम एक और नाम से जानते हैं, इनको बोलते हैं सुपर रीनल ग्लैंड। ठीक है, सुपर रीनल ग्लैंड है, ये किस शेप की होती है, ऐसे त्रिकोण शेप की होती है, ट्रायंगुलर शेप की होती है, और जो हमारी वक्र होती है किडनीज होती है ना, उनके ऊपर ये क्या करती है, लोकेट रहती है, दोनों किडनी के ऊपर जो रहती है। कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, एड्रिनल ग्रंथि प्रेजेंट होती है, उसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, सुपर रीनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और उनका जो शेप होता है वो त्रिकोण त्रिभुजाकार का या त्रिकोणीय शेप का होता है वो। क्लियर है ये चीज। चलिए नेक्स्ट, Who cleanses the blood? रक्त को कौन शुद्ध करता है? तो जो हमारी किडनी होती है वो हमारे रक्त को क्या करती है, शुद्ध करती है। नेक्स्ट, What is the process of purification of blood called? रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, डायलिसिस बोलते हैं। आर्टिफिशियल डायलिसिस होता है जब किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग हमारी बॉडी में नहीं कर पाती, हमारा खून हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर साफ नहीं हो पाता है, तो हमको आर्टिफिशियल किडनीज की हेल्प लेनी पड़ती है, तो वो उसको साफ करती है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। इन विच यूरिन इज फॉर्म, मूत्र का निर्माण किसमें होता है, जो किडनीज होती है हमारी वहां पे हमारी क्या बनती है, यूरिन फॉर्म होती है। किडनी का भार कितना होता है बताइए, व्हाट इज द वेट ऑफ अ किडनी, 150 ग्राम, ये एवरेज वेट है। ठीक है, नेक्स्ट, हु मेक्स स्टोन इन द किडनीज, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है, तो किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। ठीक है, जो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है उसके कारण हमारी किडनी में हमारे वक्र में क्या बन जाते हैं, स्टोन्स बन जाते हैं, पथरी बन जाती है। व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ ब्लड, रक्त का pH मान कितना होता है, तो ये होता कितना, 7.40, इसकी रेंज होती है एक प्रॉपर, बट अगर हमको आंसर में स्पेसिफिक पूछा जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, 7.40। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज अ ब्लड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को, रक्त दाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं, स्फीनोगेनोमैनोमीटर। ठीक है, स्फीनोगेनोमीटर बोलते हैं, डॉक्टर्स के पास देखा होगा, एक पंपिंग टाइप का होता है, उसको यहाँ पे बांधते हैं और पंप करते हैं और स्टेथोस्कोप से मेजर करते हैं, वो क्या होता है, बीपी लेना होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, हु फर्स्ट स्टडीड द ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, किसने किया था, जो विलियम हार्वे है इनने क्या किया था, सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की स्टडी की थी। नेक्स्ट, What is the blood vessel carrying blood from the body to the heart? शरीर में हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती, शरीर से
हृदय की तरफ जाने वाली जो भी रक्त को लेके जाती हैं रक्त वाहिनी, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, शिरा बोलते हैं, मतलब वेन बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी होती है धमनी, जिनको आर्टरीज बोलते हैं ना, राइट। अब ये उसी का आंसर है आपको। व्हाट इज द ब्लड वेसल कैरिंग ब्लड फ्रॉम द हार्ट ऑफ द बॉडी, हृदय में शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है, इनको हम क्या बोलते हैं, धमनी, दैट इज आर्टरी, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे हम। व्हाट इज जार्विक सेवन, जार्विक सेवन क्या है, इट इज एन आर्टिफिशियल हार्ट, ये क्या है, हमारा कृत्रिम हृदय है। किसी का अगर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती तो हम जो आर्टिफिशियल हार्ट यूज करते हैं, तो उसको वो इन्वेंट किया था, उसका नाम जार्विक सेवन रखा था। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द बॉडी बाय कौन करता है, ब्लड के द्वारा होता है। पूरे शरीर में कौन कैरी करके लेके जाता है, ब्लड लेके जाता है ऑक्सीजन को, ठीक है। व्हाट इज बाइल, बाइल क्या है, पित्त क्या होता है, पित्त एक पीले और हरे रंग का क्षारीय द्रव है, इट इज अ येलोइश एंड ग्रीनिश एल्कलाइन लिक्विड, ठीक है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ बाइल, पित्त बाइल का, पित्त दैट इज बाइल का पीएच मान क्या होता है, तो इसका जो मान होता है 7.7। अगेन मैं कह रही हूँ आपको, बहुत सारी जगह पे इसकी रेंज मिलेगी, रेंज पूरी स्पेसिफिक देते हैं, पर हमारे को क्वेश्चंस में क्या होता है, स्पेसिफिक वैल्यू पूछी जाती है, तो 7.7, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण होता है, तो ये कुत्ते के काटने के कारण होता है। एक्चुअली जो भी मतलब हमारे ऐसे एनिमल्स होते हैं ना, हाइड्रोफोबिया में क्या होता है, आपको ना पानी से डर लगने लगता है, ठीक है। तो जनरली वो किसके कारण होता है, कुत्ते के काटने के कारण होता है, और भी एनिमल्स के काटने से होता है, मंकी के भी काटने से भी हो जाता है कई बार। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है, तो किसके कारण होता है, ये विषाणु द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विषाणु की खोज किसने किसने की थी, वायरस की खोज किसने की थी, तो जो इवॉल्स्की है उनने क्या की थी, वायरस की खोज की थी, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और विषाणु के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ वायरस इज नोन एज वायरोलॉजी। नेक्स्ट, रानी खेत बीमारी किसके द्वारा फैलती है, जो रानी खेत एक बीमारी का नाम है, किसके द्वारा फैलती है, बेटा इसको इंग्लिश में भी ना रानी खेत ही बोला जाता है, इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, ठीक है। तो जो वायरस होते हैं उनके द्वारा वो बीमारी फैली जाती है। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है, जंतुओं में जो एक फूट और माउथ डिसीज होता है वो किसके कारण मिलता है, अगेन विषाणु के कारण मिलता है, वायरस के कारण मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, What is the study of fungus called? तो इसको क्या बोलते हैं हम, माइकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो ये बनी होती है सेल्युलोज से, किसकी बनी होती है, उसकी कोशिका भित्ति सेल्युलोज से, ठीक है। अब हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आप सबको नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं, नवरात्र शुरू हो चुकी हैं कल से। आई एम विशिंग यू फॉर अ वेरी हैप्पी नवरात्र टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कर दो यार, जल्दी से। बाय बाय, मिलते हैं हमारा की क्लास में।